हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे हेमैटिनिक्स। हेमैटिनिक्स वो कंपाउंड जो हमारी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें हमने देखा था आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड आते हैं। तो हमने आयरन को स्टार्ट किया था और हमने इसके फर्स्ट पार्ट में, इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिकली आयरन के सोर्स, आयरन की डेली रिक्वायरमेंट और आयरन का एब्जॉर्प्शन पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और अब हम रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विथ आयरन प्रिपरेशन। ठीक है, आयरन की कौन कौन सी प्रिपरेशन मिलती हैं जनरली हमें मार्केट में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आयरन जो है हमारा ओरल रूट से भी हम दे सकते हैं, पेरेंटल रूट से भी दे सकते हैं। तो अगर हम ओरल आयरन की बात करें, ओरल प्रिपरेशन की बात करें, तो फर्स्ट जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस पार्ट में वो है प्रिपरेशन। आयरन की कौन कौन सी प्रिपरेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो पहली बात करेंगे हम ओरल। ठीक है, जो हम ओरली दे सकते हैं, कौन कौन से आयरन है हमारे पास। सबसे पहला, सबसे कॉमनली यूज होने वाला है फेरस सल्फेट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है क्योंकि ये बहुत चीप है। ठीक है, सस्ता है तो इसलिए ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेरस ग्लूकोनेट, नेक्स्ट है फेरस फ्यूमरेट। ओके, ये हमारी क्या है, ओरल प्रिपरेशन है जो हम ओरली ले सकते हैं आयरन सप्लीमेंट के तौर पे, अगर हमें आयरन की जरूरत है तो। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। दूसरा, हम अगर पेरेंट्रल प्रिपरेशन की बात करते हैं, जो पेरेंट्रली हम इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं, वो कौन कौन सी है हमारे पास, आयरन डेक्सट्रिन इंजेक्शन। ठीक है, आयरन डेक्सट्रिन इंजेक्शन, आयरन सॉर्बिटॉल, सिट्रिक एसिड, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसका भी इंजेक्शन आप दे सकते हैं। तो ये आपके क्या है, प्रिपरेशन है, चाहे ओरल रूट की बात करें, चाहे हम इंट्रावेनस या पेरेंट्रल रूट की बात करें। तो ध्यान में रखिएगा, देखो अपने अपने दोनों के फायदे भी हैं। इमरजेंसी में अगर चाहिए कि आयरन का लेवल बहुत कम हो गया है और आपको इमरजेंसी में चाहिए कि आयरन का लेवल फटाफट आपको करना है, वॉल्यूम मेकअप करनी है, तो आपको पेरेंट्रल ही देना पड़ेगा ऑब्वियसली। और अगर आपका ओरल से काम चल सकता है तो आप ओरल आप प्रेफर करेंगे। अब देखिए, दोनों ही प्रिपरेशन के अपने अपने एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, अगर मैं ओरल की बात करती हूँ, सबसे पहले हम ओरल प्रिपरेशन की ही बात करते हैं कि ओरल प्रिपरेशन की वजह से क्या क्या ADR हमें फेस करने पड़ सकते हैं, इनकी क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है। तो ध्यान में रखिएगा, जो हमारा आयरन है जो ओरल रूट से हम ले रहे हैं, इसे लेने के बाद मेटालिक टेस्ट आपको फील होगा, मेटल की तरह टेस्ट आपको फीलिंग आएगी। इसमें जर्नली जो है इंसान कॉन्स्टिपेटेड फील करता है, तो कॉन्स्टिपेशन और समटाइम ये डायरिया भी कॉज कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो कॉन्स्टिपेशन इसका आपका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है जो फील होता है। इसके अलावा हार्ट बर्न, ठीक है, हार्ट बर्न ये आपको हो सकता है। एपिगैस्ट्रिक पेन, एब्डोमिनल पेन भी फील होता है आयरन को लेने के लिए, आयरन का आपका आप बोल सकते हैं ADR है, एपिगैस्ट्रिक पेन। तो ये आपके क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है अगर आप आयरन को क्या कर रहे हैं ओरल रूट से ले रहे हैं ना। अगर आप इंजेक्शन फॉर्म में अगर आयरन को ले रहे हो, और ये एडवर्स इफेक्ट जो है मेनली मैं आपको बता दूं, पहले तो चलो कॉमन ही देख लेते हैं कि अगर इंजेक्शन आप ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या क्या ADR आ सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहां पे भी आयरन का आप इंजेक्शन लगाएंगे वहां पे पेन होगा, ये आपका है इसका ADR। फीवर आ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है, जॉइंट पेन, ये आपके ADR है जो किसके साथ है, आपके पेरेंटल प्रिपरेशन के साथ है। और स्पेशली मैं बात करूं इसकी, आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड इंजेक्शन की, तो इसके साथ एक आपकी रिएक्शन देखने को मिल सकती है इन सम केसेस, वो है आपकी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। और आप जानते हो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हमने डिटेल में पढ़ी हुई है। और इस रिएक्शन की वजह से, जो ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, इसकी वजह से, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो बेसिकली इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो आयरन मतलब आप बोल सकते हो ये ADR है, तो ये ADR जनरली ऐसा नहीं है, बहुत रेयर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं हमेशा ये आपको देखने को मिलेगा, और वो भी उस केस में होगा जब आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा है बॉडी में, ठीक हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आयरन पॉइजनिंग जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, आयरन के कंटेंट को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और ध्यान में रखिएगा जो ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ज्यादा ये रिएक्शन आपकी बच्चों में देखने को मिलती है, एडल्ट्स में बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अब जो टॉपिक हम, ये था ऑल अबाउट प्रिपरेशन, कि हमारी आयरन की कौन सी प्रिपरेशन हमारी मार्केट में अवेलेबल है और उनकी वजह से क्या एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए अब हम बात करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा आयरन है, मेनली हमारा आयरन जो है हमारे बाइल से, ठीक है, बाइल में एक्सक्रीट होता है, या फिर हमारी, क्योंकि जो जीआई की जो सेल है, मैंने म्यूकोसल सेल आपको बताई थी, अगर उनमें क्या हो रहा है, उनकी शेड हो रही है वो म्यूकोसल सेल, क्योंकि उनकी अपनी एक हाफ लाइफ, हाफ टाइम होता है, देखो 2 से 4 दिन की उनकी सेल्फ लाइफ होती है, तो म्यूकोसल सेल 2 से 4 दिन में हमेशा रिन्यू होते रहती है। जो पुरानी सेल है वो क्या होती है, आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाती है इन द फीसेस। ओके, तो जो म्यूकोसल सेल है बहुत टाइम, हमेशा ध्यान रखना, मैंने बताया था ना, ये आपकी अगर म्यूकोसल सेल थी, ये आपकी म्यूकोसल सेल थी, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर आयरन किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, फेरिटीन के फॉर्म में, फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और इसमें ही एक फिनोमिना आता है जो मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ, इसको बोलते हैं हम म्यूकोसल ब्लॉक। अब ये म्यूकोसल ब्लॉक है क्या, देखो होता क्या है, सपोज यहाँ पे हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन है, इसमें ऑलरेडी आयरन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो होता क्या है, जो फेरिटीन जो कि आयरन को स्टोर करके रखता है इन द म्यूकोसल सेल या फिर किसी और सेल में, तो होगा क्या, जो फेरिटीन है ये क्या करता है, अपने अंदर से आयरन को रिलीज ही नहीं करता, क्योंकि पता है भाई ब्लड में ऑलरेडी आयरन बहुत ज्यादा है, तो ये अपने अंदर से क्यों रिलीज करेगा आयरन को, इसको बोलते हैं म्यूकोसल ब्लॉक, ठीक है। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है ये, आयरन कंटेंट ब्लड में कितना है, ठीक है, हमारी बॉडी का आयरन कंटेंट कितना है। अगर आयरन कंटेंट हमारी बॉडी का ज्यादा है तो उस केस में होगा क्या, कि जो हमारा ये फेरिटीन है अपने अंदर से आयरन स्टोर नहीं, अपने अंदर से आयरन को रिलीज नहीं करेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसल ब्लॉक फिनोमिना। ओके, ये समझ में आया। इसके अलावा जो मैं आपके बता रही थी वो यही है कि जो हमारी म्यूकोसल सेल्स है ना, क्योंकि देखो फेरिटीन अगर अपने अंदर से आयरन को रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, ये जो म्यूकोसल सेल है इसकी जो सेल्फ लाइफ है 2 से 4 दिन है, ठीक है, 2 से 4 दिन ये अपने अंदर फेरिटीन के फॉर्म में आयरन को स्टोर करके रखेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद होगा क्या कि सारा ये, क्योंकि हमारी ये म्यूकोसल सेल सपोज कौन सी है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसल सेल है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है सपोज, तो होगा क्या, देखो ये म्यूकोसल सेल 2 से 4 दिन ऐसी रहेगी, 2 से 4 दिन बाद ये शेड हो जाएगी और एक्सक्रीट हो जाएगी, इसका जो भी आपका कंटेंट है सारा का सारा कुछ जो भी आएगा वो आपका किस में चला जाएगा, हमारे फीसिस में एक्सक्रीट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे नई म्यूकोसल सेल आ जाएगी, यही तो होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मेजर अमाउंट जो भी हमारा आयरन का है वो कैसे कहाँ एक्सक्रीट होता है, हमारे फीसिस में एक्सक्रीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, रेक्टम एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं आपके, या तो एक तो आएगा बाइल से, लीवर बाइल बना रहा है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो बाइल के थ्रू आपका वो फीसेस में आ जाएगा आयरन, या फिर हमारी जो म्यूकोसल सेल है जो आपका जो सेल्फ लाइफ जिनकी पूरी हो चुकी है वो भी यहां से आपकी शेड आउट होके फीसेस में एक्सक्रीट कर देंगी, क्योंकि उसके अंदर भी ऑब्वियसली आयरन कंटेंट होगा, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर होता है। इसके अलावा हमारी अगर यहाँ पे कुछ, हमें पता है कि हमारी ब्लड सेल्स की भी सप्लाई होती है यहाँ पे, तो अगर वो ब्लड सेल्स हैं वो भी आपकी डिग्रेड हो रही है तो उसके थ्रू भी आपका फीसेस में आपका क्या आ सकता है हमारा आयरन आ सकता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अमाउंट हमारे स्वेट और यूरिन में सिक्रीट होता है, ठीक हो गया। तो मेजर एक्सक्रीशन का अगर आपसे पाथ कोई पूछे तो ध्यान रखेंगे जो आयरन मेजर अमाउंट में एक्सक्रीट होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे फीसेस में, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो हमें मेन पॉइंट डिस्कस करना है वो क्या है, हमारा आयरन पॉइजनिंग। अगर किसी को आयरन पॉइजनिंग हुई है तो उसे आप कैसे, पहली बात ठीक कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई आयरन कंटेंट ज्यादा होना भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, आयरन पॉइजनिंग। चलिए देखते हैं आयरन पॉइजनिंग, ठीक है।
ध्यान में क्या रखना है आपने, हमेशा ध्यान रखो कि जो हमारा आयरन पॉइजनिंग है जनरली क्या होती है, बच्चों में होती है, एडल्ट में ये पॉइजनिंग बहुत रेयर है, ठीक है, हो सकती है, बट अगर अब ज्यादा इसकी अबंडेंस देखें तो बच्चों में ज्यादा है। तो जब भी किसी को आयरन पॉइजनिंग हुई, सपोज किसी के ब्लड में आयरन का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, आप पहचानोगे कैसे कि इस बच्चे को या इस इंसान को आयरन की पॉइजनिंग हुई है। ऑब्वियसली आयरन ले रहा होगा तभी आप उससे कोरिलेट कर सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कॉमन है वॉमिटिंग, सेकंड डायरिया, मैंने बताया था आयरन की वजह से डायरिया भी हो जाता है किसी किसी केस में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कन्वल्जन्स हो सकते हैं, ठीक है, कन्वल्जन्स अगर आ रहे हैं, उससे झटके लग रहे हैं, ट्रिमर्स आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये भी पॉइजनिंग का एक साइन है। लेथार्जी, ठीक है, इंसान बहुत लेथार्जिक फील करेगा, वीकनेस लगेगी उसे बहुत ज़्यादा, ठीक है, वीकनेस फील हो रही है। इवन अगर थोड़ा सा केस और सीवीआईटी की ओर जा रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या काम है इसका, ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी में सप्लाई करना, वो आपका क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, उसकी वर्किंग रुक जाएगी। इवन यहाँ पे एक और मैं ऐड कर सकती थी, विच इज डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन की सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है, बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा। और फाइनली एक बार अगर कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो गया तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कुछ केसेस में डेथ जो है आपकी छः, आप बोल सकते हो 6 घंटे के अंदर अंदर भी हो जाती है जिस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, पॉइजनिंग हुई है। और ऑलमोस्ट अगर ज़्यादातर केसेस में देखें तो 24 to 36 hours लग जाते हैं आपके, अगर ये डेथ वाले फेज में अगर इंसान पहुंच रहा है। तो जनरली आपको ध्यान में रखना है ये सारे साइंस हैं जिनके थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ आयरन की पॉइजनिंग हुई है। अब बताएंगे आप ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली अगर आपको आयरन की पॉइजनिंग किसी को हुई है और उसे आपको ट्रीट करना है तो आपको बहुत इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डेथ हो सकती है अगर आपने टाइम से इसे ठीक नहीं किया। तो ट्रीटमेंट कैसे कराओगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक लेवेज कराना पड़ेगा। गैस्ट्रिक लेवेज कैसे कराते हैं, पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। गैस्ट्रिक लेवेज कराने का क्या तरीका है आपका, गैस्ट्रिक लेवेज कराने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं इस केस में, क्योंकि हमें पता है देखो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने बताया था एसिडिक एनवायरनमेंट का होना जरूरी है। आप चाह रहे हो कि किसी को अगर आयरन की पॉइजनिंग हुई है उसके स्टमक में अगर अभी भी आयरन है वो एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है, जो ब्लड में चला गया हो तो चला गया, लेकिन जो अभी भी आपके इंटेस्टाइन में अवेलेबल है उसका एब्जॉर्प्शन ना हो। तो उसका तरीका यही है कि आप वहां के पीएच को एल्कलाइन कर दीजिए, क्योंकि अगर एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तो आयरन एब्जॉर्ब होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं पर्सन को। सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे तो उससे क्या होगा, जो आपका जीआई का पीएच है वो एल्कलाइन हो जाएगा और एल्कलाइन पीएच में आयरन का फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो पहला ये आपका इफेक्ट रहेगा गैस्ट्रिक लेवेज का। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप मिल्क दे सकते हो इंसान को या फिर आप एग योक दे सकते हो। क्यों दे रहे हो ये, क्योंकि ये जो मिल्क और एग योक दोनों ही क्या करते हैं आपके आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं, और एक बार अगर आयरन के साथ इनने कॉम्प्लेक्स बना लिया, जैसे इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है और इसने आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आयरन का फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जितना हो गया है एब्जॉर्ब वो तो हो गया है, उसके लिए भी हम देखेंगे हम क्या करेंगे, लेकिन फर्दर एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए पहले तो हमने गैस्ट्रिक लेवेज करा लिया, ठीक है, और दूसरा हमने मिल्क या एग योक हम दे सकते थे, क्योंकि इन दोनों की भी खासियत है कि ये आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने वाला। अब थर्ड बात ये आती है कि भाई ठीक है, ये तो हमने एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए कर लिया, अगर एक बार आपका आयरन एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला गया तो अब आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली एंटीडोट दोगे। और एंटीडोट क्या है आयरन का, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसे पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा आयरन के एब्जॉर्ब क्या है एंटीडॉट, डेस्फेरियोक्सामीन, डेस्फेरियोक्सामीन आपका एंटीडॉट है। बेसिकली ये क्या करता है डेस्फेरियोक्सामीन, ये भी आयरन के साथ ब्लड में आप इसे इंजेक्ट करोगे, ठीक है, ब्लड में इंजेक्ट करते ही ये क्या करेगा, आयरन जितना भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आयरन है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद अब आयरन क्या होगा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, वो किसी सेल और टिश्यू लेवल पे अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा।
इन दोनों ने तो क्या किया आपका इंटेस्टाइन लेवल पे काम किया, जीआईटी पे काम किया, इसने हमारे ब्लड में जाके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया। तो आप बोल सकते हो डेस्वेरियोक्सानिन क्या है, हमारा एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन के साथ, और फिर आयरन क्या करता है, आयरन के पास कोई चारा नहीं रह जाता कि वो कुछ और करे, वो सीधे सीधे आपके बॉडी से एक्सक्रीट होने वाला है, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इवन इसकी आप डोज भी याद रख सकते हो कि कितना देते हैं हम, 5 to 10 ग्राम इन 100 ml वाटर। ओके, अगर 100 ml का आप बना रहे हो सॉल्यूशन तो आप उसमें 5 to 10 ग्राम आप ये ऐड कर सकते हो, वाटर नहीं होगा सॉरी सलाइन। ओके, 100 ml सलाइन सॉल्यूशन आपका जो है उसमें 5 to 10 ग्राम आप ये ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये पता चल गया। नेक्स्ट और क्या कर सकते हो आप इनके अलावा, आपको पता है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है तो आप सपोर्टिव मेजर्स भी दे सकते हो, ठीक है। सपोर्टिव मेजर्स मतलब जो सिम्टम्स से आपको रिलीफ देंगे, लाइक अगर यहां मैं बात करूं, इंसान को डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, यानी कि बॉडी से बहुत सारा वाटर लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, आईवी फ्लूड्स दे सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम रिप्लेनिशमेंट के लिए। तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम ठीक हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट्स आप दे दो, क्योंकि डायरिया में ऑब्वियसली आईवी फ्लूड में आप इलेक्ट्रोलाइट्स वाला भी दोगे, क्योंकि डायरिया के टाइम पे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से वैसे ही लॉस्ट हो जाते हैं। इवन यहाँ पे एक और आपका सिम्टम है जो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, वो है हमारा एसिडोसिस, ठीक है, आयरन की पॉइजनिंग में एसिडोसिस हो जाती है। तो इसको भी ठीक करने के लिए आपको सपोर्टिव मेजर के तौर पे आप एसिड बेस बैलेंस पे भी ध्यान दोगे। एसिडोसिस हुई है तो एल्कलाइन सॉल्यूशन आप दे सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस के ऊपर भी काम करोगे आप। और जहां तक बात रही आपकी, ये आपको पता है कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हुआ है, इवन रेस्पिरेशन में भी अफेक्ट पड़ता है, इसीलिए आप रेस्पिरेटरी और जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी आप कंट्रोल करोगे, ठीक है। बीपी कंट्रोल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, और जो रेस्पिरेटरी कंट्रोल और बीपी ब्लड प्रेशर कंट्रोल दोनों पे आप काम करोगे, तो आपको जो भी सपोर्ट रिक्वायर है बीपी को कंट्रोल करने के लिए या रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो आप प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। तो ये है आपका आयरन पॉइजनिंग होती क्या है और कैसे आप इसे ट्रीट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स आपको इसमें फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आयरन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट हेमेटिनिक को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, विटामिन बी12। ओके, दो रह गए हमारे, विटामिन बी12 एंड फोलिक एसिड। थैंक यू सो मच।